जब जेल में गए तो जेल का हम लोगों ने माहौल देखा तो एकदम डरे हुए थे हम गुंडे, हमारे से भी बड़े बड़े गुंडे जो सजा काट रहे, उम्र कैद काट रहे। जब मैं जेल का खाना पीना देखा, पानी जैसी दाल, दो रोटी देते हैं कड़क रोटी, तो मैं रोना स्टार्ट कर दिया। मतलब अपन तो बम्बई में ऐसा अच्छा अच्छा खाना खाते, नल्ली नियारी, पाए का सालन, हंडी कड़ी, ये सब खाते, मुझे वो याद आ रहा है, मैंने खाना ही छोड़ दिया। मेरा नाम निज़ाम शेख है, मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। 10 साल की उम्र में बॉम्बे आ गया मैं। ये अपना बस्ती है, नाला सुपारा है, ये बीच में मेरी क्लब है, इधर देसी दारू का अड्डा है, यहाँ 8-10 धंधे मेरे ही है सब। मेरे साथ वाले 8-10 का तो इनकाउंटर मुंबई पुलिस कर ली, मैं जेल चला गया तो मैं बच गया। फिर बॉम्बे में बहुत भागम दौड़ी किया, ये वो, फिर यहाँ बस गया, नाला सुपारा आ गया मैं। खाने पीने का रात भर बम्बई चालू रहती है, चिकन, ये नल्ली निहारी बम्बई की मशहूर है, नवाब का सीख पराठा। खाने पीने का तो तेरे को मालूम कितना शौक है मेरे को, बस वही खाओ पियो जब तक का है, अच्छे से रहने का। यहाँ देसी चिकन मिलता है, बाकी पूरे ऑल मुंबई में देसी चिकन मिलता नहीं है। यहाँ हम खुद चिकन देखते हैं, पिंजरे से चिकन निकालते हैं, गावटी चिकन, देसी चिकन, वो खुद ही लेकर जाकर किचन में देते हैं बनाने के लिए, तो वो खुद ही बेचारा पका कर लेकर आता है। यहाँ चिकन तंदूरी, चिकन हंडी, चिकन अफगानी, चिकन तर्री, हर चीज़ यहाँ फैसिलिटी से मुझको मिलती है। और यहाँ मुझको 20 ईयर्स हो गया है, यही खाना खाता हूँ। अच्छे से अच्छा आदमी आता, बुरे से बुरा, बिल्डर से बिल्डर, हर चीज़ इधर ही आती, यही मेरी मीटिंग होती है। ये होटल समझ लो मेरी ऑफिस है, क्योंकि यहीं से हम लोगों ने तरक्की पाया। पहले 3 टेबल था, आज 30 टेबल है। ओके, ये हमारे लिए ढाबा बहुत लक्की है, इस ढाबे से मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ है, माँ कसम। और यहाँ का खाना, यहाँ की गावटी चिकन, हर चीज़ XYZ, हर चीज़ अच्छी है। अभी खाना आ रहा है, खाना खा, उसके बाद तू बोलेगा वाह गुरु, वाकई में तुमने जगह पर मुझको लेकर आया, खाने पीने की जगह पर। लोग हमारे होटल में इसे बहुत दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। ये तंदूरी के, बेसिकली ये तंदूरी के रुमाली के दोए में बनाते हैं हम लोग इसको, और एक बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब एक अमेजिंग पापड़। यहाँ एक मैटर हुआ था, मेरा एक नंबरकारी था इसके जैसा, नंबरकारी मतलब जैसे एक बिजनेसमैन में पार्टनर रहता है वैसा, एक गुंडा दूसरा गुंडा नंबरकारी होते हैं। उसने क्या किया, कहीं बैठा हुआ था जो बेंजो पार्टी वाले रहते हैं, उससे कुछ झगड़ा हो गया तो 8-10 बच्चे लोगों ने उसे मार दिया, हाथ उठा दिया उसके ऊपर, तो उसको कुछ पता ही नहीं कि मेरे को क्यों मारे, वो था भाई मेरे जैसा। अब उसने क्या किया, 4-5 अपने पंटर लोग को लेकर, सामने पहाड़ी है, ये पहाड़ी पर लेकर जाकर चारों को काट दिया, चारों को मार दिया। वो मारने के बाद क्या हो गया, पूरी पुलिस अफरा तफरी हो गई। मेरा तो लेना देना नहीं था, मेरा नंबर करी था, इसी टेबल पर बैठकर खाना खाता था। उसके बाद वो वांटेड, भाई वांटेड, हमारा तो कोई लेना देना उससे था ही नहीं। पुलिस बोलती कि नहीं, निज़ाम शेख है उसके साथ हर चीज़ें। उसके बाद उसको कैसा वैसा कर लखनऊ से पुलिस ने पकड़ी, तब जाकर उन्हें बोला कि ये मैंने किया है मर्डर, 4 बच्चे लोग का, नाबालिग बच्चे थे, उसमें से एक बच्चे की शादी हुई थी, 2 दिन हुआ था। ओके, उसकी औरत विधवा हो गई, उसे पुलिस ने पकड़ बिकड़ ली, हर चीज़ कर ली, आज उसे लाइफ लगा दी। हाँ जी, यहाँ पे हम लोग चिकन तरी वाला बना रहे हैं। तरी, तरी वाला मतलब तरी एक मराठी वर्ड है, तरी जो हमारे ग्रेवी के ऊपर जो ऑयल का जो परत जमता है ना, उसको बोलते हैं, बेसिकली वो होती है। ये भी एकदम देसी टाइप की ग्रेवी होती है, पतली ग्रेवी होती है, स्पाइसी होती है, जूसी होती है। मसाला इसका प्रिपेयर नहीं होता है, ऑन द स्पॉट हम लोग इसका मसाला बनाते हैं। ये देख, ये गावटी चिकन है, कैसा लग रहा है? बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया, अच्छा है ना? 5-star rating, 5-star rating। जेल के अंदर मुझे कंपनी वाले मिल गए, भाई लोग मिल गए, बोले हमारे ब्रैकेट में आ जा, तू हमारे बराक में आ जा। उसमें ऐसा होता है कि जिसको सजा लगती है उसके लिए टिफिन आती है। हम लोगों का तो केस चालू था, सजा तो हमको जज ने सुनाया नहीं था कोर्ट ने। उसके बाद उनके साथ बिरयानी बिरयानी खा के, ये करके वो करके, जब हमारी जामीन हुई तो मुझको एक नंबर दिए,
जाइए नंबर लेकर जा या कॉल कर अच्छे से रे खा पी। वो नंबर मुझे दिए, मैं चला गया साइन कोलीवाड़ा। नंबर पर कॉल किया तो उन लोगों ने बोला कि हाँ कहाँ है, मतलब जेल से आया, ये नाम का आदमी ने मुझे भेजा है आपके पास। तो वहीं से मेरी जिंदगी और चेंज पर चेंज होती रही। हमारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है जीने का। हम भी कभी भी मारे जाएंगे, लेकिन जब तक सिलसिला चलेगा, मारते रहेंगे तो बचेंगे, नहीं मारेंगे तो मारे जाएंगे। शासन ने जो मेरे लाइसेंस बने थे वो निरस्त कर दिए, धारा लगाई 419, 420, 467, 468। केवल हिंदुस्तान में जितनी धारा है, दो धारा ऐसी है जो प्रशासन नहीं लगा पाया, जिसमें चोरी और बलात्कार।